शहर कांग्रेस कार्यालय से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित के नेतृत्व में निकाली गई। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण और सलामी देने के बाद कांग्रेस की यह यात्रा रावली स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंची। यहां पर योगेश दीक्षित और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद यह यात्रा आगे के लिए रवाना हुई। इससे पहले इस यात्रा ने शहर भर में भ्रमण भी किया। जगह जगह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। आरोप लगाने का एक ही कारण है, आज भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया है। ये गुजरात की जनता, क्योंकि राहुल जी ने वहाँ प्रचार नहीं किया, उन्हें खुला मैदान मिल गया। उसके अलावा वो बुरी तरीके से हिमाचल में हारी, वो बुरी तरीके से मैनपुरी में हारी, वो खतौली में हारी, वो राजस्थान में हारी, वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सब जगह हारी। देखिए, यात्रा की शुरुआत तो माननीय राहुल जी ने 100 दिन पहले कर दी, आज 101वां दिन है। उसी के अवज में हमने उत्तर प्रदेश में सभी प्रांतीय अध्यक्षों के नेतृत्व में जो निकल रही है, जैसा सत्या बहन ने बताया कि देश जो चलता है एक गुलदस्ता है, इसमें सभी तरह की जातियों के फूल लगे हुए हैं। खाली हिंदू मुस्लिम से देश नहीं चलेगा, पाकिस्तान से देश नहीं चलेगा। हमें अपनी बात करनी है, जहां रोजगार की बात करनी है जो चाहिए, जहां शिक्षा की बात करनी है जिससे देश चलता है, यहां लड़ाने की बात से काम नहीं चलेगा। राहुल जी का संदेश जो हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, बाकी की अगर आप जुमलेबाजी को 15 लाख की और साहब मकान मिलेंगे, और ये इन जुमलेबाजी जनता समझ चुकी है। 2024 में जनता इनको बिल्कुल इनका आईना दिखा देगी। देखिए, ऐसा है, भारत की एकता बिल्कुल विखंडित हो चुकी थी। भाजपा सरकार में सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ना झगड़ना, हमारा सामाजिक कहना जाना बिखर चुका था। जो आजादी की लड़ाई के समय थे, एकजुट होने का, एक भारत का जो नारा लगाया था, और नारा ही नहीं लगाया था, संकल्प भी किया था, उस संकल्प के साथ नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, ये सब चल रहे, तो उसमें हम सब लोगों का भी धर्म है, पब्लिक का भी, और कांग्रेस वालों का तो एक संकल्प है ही कि हम देश को तोड़ने नहीं देंगे, जोड़ के रखेंगे, चाहे ना किसी जात में, ना धर्म में, ना हिंदू मुस्लिम में, हम एक हैं और एक ही रहेंगे, और एक के लिए हमने आजादी की लड़ाइयां लड़ी थी। ये नहीं कि हम कुर्सी पाओ और इनको छोड़ो इनको छोड़ो, ये नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताऊं, कांग्रेस आने वाली जो समय है वो एकता का समय है और भारत जोड़ो का समय है।